बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर शॉर्ट स्टोरीज कोर्स, एंड इन दिस लेक्चर आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ वेरी फेमस शॉर्ट स्टोरी, द मम्मी और द मम्मी अवेकन्स, विच इज़ रिटन बाय नजीब महफूज। स्टूडेंट्स, द मम्मी स्टोरी जो है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल स्टोरी। अनबिलीवेबल इसलिए कि इसमें जो इवेंट्स हैं वो थोड़े स्ट्रेंज हैं, और ये जो स्टोरी है ना स्टूडेंट्स, इट्स मेन थीम इज़ सोशल इनजस्टिस एंड शिफ्ट ऑफ पावर, शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम ट्रू ओनर्स टू द अनवर्दी पीपल बाय टोटली अनफेयर मीन्स। द मम्मी जो स्टोरी है ये मिस्र जैसे कंट्रीज में इनजस्टिस और प्लंडर की कहानी है। ये कहानी इजिप्शियंस के बुरे हालात हमारे सामने लेके आती है। जैसे कि नेम से जाहिर है, इसमें मम्मी का जिक्र है। मम्मी इसमें ज़िंदा होती है, तमाम अमीरों को मार देती है, उनकी बिल्डिंग्स को तबाह कर देती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये लोग जो हैं, ये पुअर इजिप्शियंस को उनके ड्यू राइट्स नहीं देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बिफोर टॉकिंग अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी, वी विल टॉक अबाउट लिटल टॉक अबाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी। राइटर ऑफ द स्टोरी इज नजीब महफूज, एंड स्टूडेंट्स, नजीब महफूज वॉज एन इजिप्शियन राइटर एंड ही वॉज द फर्स्ट अर्ब राइटर हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1988, ठीक है। ये कायरो में पैदा हुए, जो कि इजिप्ट का कैपिटल सिटी है, और कब पैदा हुए? December 11, 1911 में, और इनकी डेथ भी कायरो इजिप्ट में हुई August 30, 2006 में। इन्होंने 17 इयर्स की एज में ही लिखना शुरू कर दिया था, यानी कि बहुत ही अर्ली एज में इन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिकन्स ऑफ कायरोज कैफ़े, यानी कि इनको चार्ल्स डिकन्स के साथ कंपेयर किया जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न ये है कि चार्ल्स डिकन्स ने भी सोशल इनजस्टिस पे बहुत लिखा है। सो ड्यू टू दिस रिजेम्बलेंस, नजीब महफूज इज़ कंपेयर टू चार्ल्स डिकन्स। तो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ पाशा, ठीक है। स्टूडेंट्स, पाशा जो है ये वो कैरेक्टर है जिसके गिर्द सारी कहानी घूमती है। ये अपर इजिप्ट में हंग कंट्री मैंशन में रहता है और फ्रेंच आर्ट एंड कल्चर का बहुत ही दिल दादा है। ही इज़ एक्चुअली फ्रेंच इन हार्ट एंड सोल, और स्टूडेंट्स, ही इज़ अ पोइट एंड कंपोजिस पोइट्री। अगर हम बात करें ओरिजिन की, तो स्टूडेंट्स, ही इज़ टर्क बाई ओरिजिन। एंड नेशनैलिटी की बात करें, तो ही इज़ इजिप्शियन बाय नेशनैलिटी। और अगर हम टेस्ट की बात करें, तो ही इज़ अ फ्रेंच बाय टेस्ट, यानी कि वो फ्रेंच को बहुत पसंद करता है। उसका सारा जो है वो लाइफ, यू नो, फ्रेंच आर्ट एंड कल्चर, फ्रेंच फूड, फ्रेंच क्लोथिंग, हर चीज़ जो उसकी फ्रेंच के गिर्द ही घूमती है। वो फ्रेंच को बहुत ज़्यादा, इजिप्ट को तो बिल्कुल भी वो लाइक नहीं करता, इस स्टोरी से हमें पता चलता है। एंड द नेक्स्ट मेन कैरेक्टर इज़ डैरियन, प्रोफेसर डैरियन, जो हैं इजिप्टोलॉजी के प्रोफेसर हैं कायरो की यूनिवर्सिटी में। ये पाशा के फ्रेंड हैं, और पाशा का दूसरा फ्रेंड मौसिर सैरट है, जो कि हायर कॉलेज फाइन आर्ट्स में डायरेक्टर है। डॉक्टर पीरी है, जो कि मेंटल डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट है। ये तीनों जो हैं वो पाशा के जानने वाले हैं, फ्रेंड्स हैं। शेख जैदुल्ला जो है एक और मेन कैरेक्टर है स्टूडेंट्स, ये लोकल पर्सन है इस कहानी में, और बहुत ही नोबल इंसान है। कुछ स्पिरिचुअलिटी की तरफ इसका रुझान है, और स्टूडेंट्स, इसी की एफर्ट से जो है वो मम्मी, जनरल हूर की मम्मी जो डिस्कवर की जाती है, क्योंकि जनरल ये पाशा के पैलेस में इसको अपनी स्पिरिचुअल पार्ट से कुछ पता चलता है कि वहाँ पे कोई ख़जाना दफन है उसके सहन में, उसके गार्डन में, तो वहाँ से ये खुदाई करता है। और स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द समरी ऑफ दिस स्टोरी। स्टूडेंट्स, वी सी दैट नजीब महफूज इज़ नरेटिंग
एन अनबिलीवेबल स्टोरी, जो कि उसे एक बहुत ही रिमार्केबल प्रोफेसर डेरियन ने सुनाई थी। प्रोफेसर डेरियन कायरो की एक यूनिवर्सिटी में इजिप्टोलॉजी यानी मिस्रियात का प्रोफेसर था। एंड दिस स्टोरी इज़ बेस्ड ऑन हिज मेमोरीज। नरेटर याद करता है कि एक दफ़ा वो मिस्र के एक रिचेस्ट मैन मरहूम मोहम्मद पाशा अल अरनौती से मिलता है। वो मिस्र के रिचेस्ट लोगों में से एक था, मोहम्मद पाशा रिचेस्ट लोगों में से एक था मिस्र के। उसका बहुत बड़ा घर था जो कि अपर इजिप्ट में वाक़ था, और सारा घर फ्रेंच टेस्ट शो करता था। ठीक है, वो फ्रेंच मतलब उसके घर में हर चीज़ ही तकरीबन फ्रेंच टेस्ट की थी। असल में पाशा फ्रेंच कल्चर का बहुत ही ज़्यादा शौकीन था, उसका सारा लाइफस्टाइल फ्रेंच था। उसके घर में फ्रेंच आर्ट की आर्ट के से रिलेटेड चीज़ें यानी कि पेंटिंग्स, स्टैचूस, इन सारी चीज़ों से उसका घर डेकोरेटेड था। और उसके एक दोस्त का तो उसके बारे में ये कहना था कि पाशा असल में थ्री मैन इन वन है, यानी कि वो बायो रीजन एक टर्क था, बाय नेशनलिटी वो एक इजिप्शियन था, और ही वाज फ्रेंच एट हार्ट एंड माइंड। उसे फ्रांस से इतनी ही मोहब्बत थी कि उसके दोस्त भी फ्रेंच थे, जितने भी उसके दोस्त थे वो सारे फ्रेंच थे। पाशा के पैलेस में प्रोफेसर डेरियन को बहुत से और भी अच्छे दोस्त मिले, जिनमें मॉन्सर सैरट, और जो कि हायर कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स का डायरेक्टर था, और डॉक्टर पीरी जो कि मेंटल डिसऑर्डर का स्पेशलिस्ट था, ये लोग भी शामिल थे। तो स्टूडेंट्स, एक दिन डेरियन जो है पाशा के मेंशन में गया, तो प्रोफेसर डेरियन और इसके दोनों फ्रेंड्स जो थे उन्होंने पाशा को सजेस्ट किया कि वो मेंशन को मॉडिफाई करे थोड़ा सा, और इस तरह से मॉडिफाई करे कि इसे फ्रेंच आर्ट का म्यूज़ियम बना दे। इस तरह स्टूडेंट्स की बहुत हेल्प हो जाएगी और इन्हें फ्रेंच कल्चर को स्टडी करने के लिए फ्रांस नहीं जाना पड़ेगा। पाशा को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा कि वो अपने घर को फ्रेंच म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दे। उसने कहा कि वो फ्रेंच आर्टिस्ट्स के कुछ और रिमार्केबल मास्टरपीसेस लाएगा और यहाँ रखेगा, मगर उसने कहा कि वो इजिप्शियन स्टूडेंट्स की कोई हेल्प नहीं करेगा, वो उनको अलाउ नहीं करेगा कि वो इसके फ्रेंच म्यूज़ियम में आ जाए, क्योंकि उसके ख्याल में इजिप्शियंस पीजेंट्स हैं और इन्हें इतनी नोबल प्लेस से बेनिफिट हासिल करने का कोई राइट नहीं है। और उसने ये भी कहा कि अगर पैलेस को कभी कहीं मूव करना हुआ तो वो उसे सीधा फ्रांस ले जाएगा। पाशा पर पहले भी इजिप्शियन पेजेंट्स के रुपयों को ज़ाया करने का इल्ज़ाम लगाया गया था, यानी कि वो काफ़ी उनको लूटता था, मगर उसने इस इल्ज़ाम को बौद्धर ही नहीं किया। और पाशा के ख़िलाफ़ ये खबर मिस्र के अखबारों में भी छपी थी, तो उसने इसको भी येल ऑफ प्रेस यानी कि प्रेस की चीख से ज़्यादा अहमियत नहीं दी थी, यानी कि वो इन चीज़ों को बौद्धर नहीं करता था कि लोग क्या कह रहे हैं। ये खबर जो है ना कि पाशा के बारे में मिस्र के अखबारों में खबर लगी है, वो ये खबर जो पाशा को डॉक्टर पीरी ने दी थी, ठीक है, और मॉन्सर सैरट ने भी दी थी, जो कि ये दोनों इसके फ्रेंड्स थे। पाशा एक्चुअली इजिप्शियन से बहुत नफरत करता था, ठीक है, ये इसके खून में शामिल था। ये भी बताया जाता है कि मिस्र का एक बहुत ही प्रोमिनेंट डॉक्टर जो कि बे का रैंक भी हासिल कर चुका था, अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया, तो पाशा ने इसे बहुत बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था, और ये रिजेक्शन उसकी मिस्रियों से नफरत की बहुत बड़ी मिसाल थी। उसका इजिप्शियंस के बारे में कहना ये था कि दे आर द डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स डिसाइल बाई नेचर एंड सबमिसिव बाई टेम्परामेंट फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे हैव लिव्ड एज स्लेव्स of the titbits from their ruler's table. Such people have no right to feel sorry if this museum goes to Paris. यानी कि ये लोग पालतू जानवरों की तरह हैं और इनकी नेचर सबमिसिव है, और ये लोग अपने रूलर्स की टेबल से मिलने वाले थोड़े से खाने के लिए गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और अगर वो अपने म्यूज़ियम को पेरिस ले जाता है तो इन लोगों को अफसोस करने का भी कोई हक नहीं है।
तो स्टूडेंट्स अपने दोस्तों के साथ ये बातें करते हुए पाशा ने खिड़की में से अपने गार्डन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि मेरे गार्डन में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट किस्म की खुदाई की जा रही है। वो इन्हें बताता है कि 2 दिन पहले एक बहुत ही वेल नोन आदमी जिसका नाम शेख जैदुल्ला है, वो उससे मिलने आया था। ठीक है, और शेख जैदुल्ला कौन है स्टूडेंट्स? शेख जैदुल्ला की जो लोकल लोग हैं बहुत इज्जत करते हैं, बड़ा शरीफ आदमी है। और उसने पाशा को बताया था कि उसे अपने रूहानी इल्म से इशारा मिला है कि पाशा के गार्डन में बहुत बड़ा ख़जाना छुपा हुआ है। तो उसने दरख्वास्त की थी पाशा से कि अपनी निगरानी में वो इसे ये ट्रेजर तलाश करने की इजाज़त दे दे। पाशा ने कहा कि पहले तो पाशा को बहुत हंसी आई और उसे साथ ही गुस्सा भी आया और उसका दिल किया कि वो उसे उठा के बाहर फेंक दे, मगर बाद में उसने उसे इजाज़त दे दी। और अब वहाँ पे शेख जैदुल्ला जो है ना वो खुदाई कर रहा है और पाशा के 2 मुलाजिम उसकी हेल्प कर रहे हैं। अब पाशा और प्रोफेसर डेरियन डिसाइड करते हैं कि वो जाके जैदुल्ला की डिगिंग को देखते हैं। अब बाकी जो उसके 2 फ्रेंड्स हैं सैरट और जो है डॉक्टर पीरी, वो चले जाते हैं। तो शेख जैदुल्ला और सॉरी पाशा और प्रोफेसर डैरियन जो है वो शेख जैदुल्ला को डिगिंग करते देखने जाते हैं। जब वो गार्डन की तरफ जाने लगते हैं तो स्टूडेंट्स वहाँ पे इन्हें बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देता है और उनके सामने काफ़ी ज़्यादा सर्वेंट्स आ जाते हैं जिन्होंने एक लोकल पीजेंट को पकड़ा होता है और उससे बेरहमी से मार रहे होते हैं। उन्होंने उस किसान को पाशा की तरफ धकेला और उसे बताया कि उसने बिमिश का खाना चोरी किया है। बेमिश कौन था? बेमिश पाशा का बिलवड डॉग था और बेमिश से पाशा दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था और उसकी देखभाल के लिए मुलाजमों की एक फ़ौज रखी हुई थी उसने। उस वो डॉग को रोज़ाना मीट, बोन्स, मिल्क वगैरह देता था। और जो चोर था वो लोकल था, खालिस लोकल, इजिप्ट यानी कि इजिप्शियन था और उसके फीचर्स और फटे पुराने कपड़ों से साफ पता चलता था कि वो मकामी किसान है। पाशा को बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत ही क्रूअल लहजे में कहा कि उसकी जुरत कैसी हुई कि वो यहाँ आकर उसके घर को नापाक कर दे। तो वो बेचारा किसान जवाब देता है, आई वॉज हंग्री योर एक्सीलेंसी, आई सॉ द कुक्ड मीट स्प्रेड आउट देयर ऑन द ग्रास एंड आई जस्ट कुड नॉट रिजिस्ट, आई हैवन्ट टेस्टेड मीट सिंस ग्रेट बैरम। यानी कि वो कहता है कि मैं बहुत भूखा था और मैंने बाहर घास पर पका हुआ गोश्त पड़ा देखा तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने बड़ी ईद से अब तक गोश्त चखा तक नहीं है। मगर पाशा को रहम ना आया और उसने छड़ी से उसे मारा और मुलाजमों से कहा कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाएं। फिर वो गार्डन में चले गए जहाँ डिगिंग का काम हो रहा था। शेख जैदुल्ला और मुलाजिम बिल्कुल मगन थे अपने काम में। पाशा और प्रोफेसर डेरियन वहाँ खड़े जैदुल्ला के पैशन को देखने लगे। पाशा के चेहरे पर तनसिया मुस्कराहट थी जबकि प्रोफेसर किसी सोच में गुम था। अचानक शेख दौड़ता हुआ आया और बोला, मास्टर मास्टर इधर आओ और देखो। एंड पाशा प्रोफेसर ने देखा कि एक बड़े पत्थर को जो कि साइज़ में 1 स्क्वायर मीटर था उसे वो लोग हिला रहे थे। वहाँ जब उन्होंने उसको हटाया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल नमूदार हुआ जहाँ से सीढ़ी नीचे जा रही थी। शेख लैंप लेकर नीचे चला गया और प्रोफेसर भी उसके पीछे चला गया। जल्द ही वो एक हॉलवे में पहुंच गए राहदारी में जिसकी लंबाई 10 मीटर थी। वो आगे बढ़े तो एक पत्थर का दरवाज़ा था। प्रोफेसर ने पाशा को बताया कि उन्होंने एक्चुअली जनरल हुर की जो है वो का मकबरा डिस्कवर कर लिया है। ठीक है, प्रोफेसर को पता चल गया क्योंकि वो इजिप्टोलॉजी का प्रोफेसर था, उसको पता चल गया कि उन्होंने जनरल हुर का जो मकबरा है वो दरियाफ्त कर लिया जो कि 18वीं डिनास्टी का एक बड़ी प्रोमिनेंट फिगर थी। ठीक है, प्रोफेसर और शेख दरवाज़ा खोलने के बारे में बहस करने लगे। तो
जो जैदुल्ला था वो अपनी रूहानी ताकत से दरवाज़ा खोलना चाहता था, मगर इसमें बहुत देर लगती, इसलिए उन्होंने बाय फोर्स खोलने का सोचा। उन्होंने दरवाज़े को हटा दिया। अब इनके सामने जनरल होर की एटर्नल रेस्टिंग प्लेस थी। सबसे पहले प्रोफेसर अंदर गया, फिर जैदुल्ला और पाशा उसके पीछे गए। दोनों नौकर नौकर जो शेख के साथ काम कर रहे थे वो डर रहे थे अंदर जाने से, मगर फिर वो भी अंदर चले गए और एक कोने में छुप गए। वहाँ उन्होंने तीन स्टैचूज देखे, एक मर्द का जो शायद जनरल हुर का था, दूसरा औरत का जो गालिबन उसकी बीवी थी, और एक छोटे से लड़के का था। दूसरी तरफ बहुत से बॉक्सेस थे जो कि लॉक्ड थे, और दीवारों पर बहुत सी पेंटिंग्स और सिंबल्स वगैरह बनी हुई थी। प्रोफेसर इन बॉक्सेस के बारे में सोच रहा था, उसे यकीन था कि इसमें खाना, कपड़े और जेवरात वगैरह होंगे। वहाँ पे एक कॉफिन भी पड़ा हुआ था। तो फिर अचानक क्या हुआ कि उस दोनों नौकरों ने ताबूत की तरफ इशारा करना शुरू कर दिया। ताबूत का कवर खुद ब खुद उठ गया था, जिसमें एक ममी कफन में लिपटी पड़ी थी। इस सीन ने पाशा को बिल्कुल स्टैचू बना दिया हैरत से। ममी ने हरकत की और वह ताबूत में उठकर बैठ गई, फिर छलांग लगाकर बाहर आ गई। इन सब के सामने अब एक मम्मी बिल्कुल एक जिंदा इंसान की तरह खड़ी थी। एंड ही वॉज फुल ऑफ एनर्जी। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और सीने पे उसके मेडल्स सजे हुए थे। उसकी उस किसान के साथ बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस थी जिसे पाशा ने खाना चोरी करने पर मारा था। मम्मी ने पाशा की तरफ देखा और बोला कि हुर 3,000 साल बाद बोला है। फिर वो कहता है, डोंट यू रिकग्नाइज मी स्लेव, वाई आरंट यू ग्रॉवलिंग एट माई फीट। हुर वेंट ऑन एड्रेसिंग पाशा दैट ही वॉज फैक्टर्ड बाय द बॉन्ड ऑफ डेथ एंड वॉज अनएबल टू मूव बट हैड बीन वॉचिंग द इनक्रेडिबल थिंग्स गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। वो कहता है कि तुम मुझे पहचानते नहीं स्लेव, तुम मेरे पाँव में गिड़गिड़ा कर क्यों नहीं गिर जाते हो। और वो उसे कहता है कि वो मौत के बंधन में इस वक्त झगड़ा हुआ है, लेकिन वो हरकत करने से कासिर ज़रूर है, लेकिन वो दुनिया में होने वाली अनबिलीवेबल चीज़ों को देख सकता है। ठीक है, फिर वो मजीद उससे कहते हैं, आई वॉज अनएबल टू कम टू यू बिकॉज माई लाइफ इज ओवर एज ओसायरिस डिक्रीड। ओसायरिस स्टूडेंट्स, ये मुर्दों का खुदा है, इनका देवता है। तो वो कहते हैं कि मेरी जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ओसायरिस ने मेरी मौत का हुक्म दे दिया था। मगर वो कहते हैं कि अब तुम यहाँ पे आ चुके हो। और फिर मज़ीद उसे कहता हैव यू ओवर बेरिंग एरोगेंस हैव यू ओवर बेरिंग एरोगेंस ड्राइवन यू मैड Why haven't you given thanks to those God who have used death to keep us apart? कहते कि अब तुम अपने तकबर में पागल हो गए हो, तुम उन खुदाओं का शुक्र क्यों नहीं अदा करते जिन्होंने मौत के जरिए हम दोनों को अलग कर दिया है। और फिर जो है वो उसकी बातों से लगता था कि वो पाशा जिस तरह से गरीब मिस्रियों को एक्सप्लाइट कर रहा है, और जैसे बाकी पाशा जैसे और लोग गरीब मिस्रियों को एक्सप्लाइट कर रहे हैं, वो सब जानता था। और वो उसे कहता है कि मजीद वो उसे कहता है, वट हैव यू कम टू डू स्लेव, आर नॉट यू कंटेंट टू प्लंडर फ्रॉम माय डिसेंडेंट्स, इज दैट व्हाई यू हैव कम टू प्लंडर फ्रॉम माय ग्रेव एज वेल, स्पीक स्लेव। उसे कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्या तुम मेरी रियाया से लूट मार करके मुतमईन नहीं हुए थे, जो यहाँ ख़जाना हासिल करने मेरी कब्र को लूटने भी आ गए हो, बोलो स्लेव। अब पाशा वहाँ पे इतना ही बेबस था जितना वो किसान उसके सामने बेबस था, उसने जिस किसान को मारा था वो बोल नहीं पा रहा था। हुर उसे मजीद कहता है, हाउ इज इट यू हैव नथिंग टू से, डोंट यू रिमेंबर हाउ आई ब्रॉट यू हेयर फ्रॉम द नॉर्थ ड्यूरिंग वन ऑफ आवर सक्सेसफुल कैंपेन्स, डू यू प्रिटेंड नॉट टू नो मी, योर वाइट स्किन विच इज अ श्योर साइन ऑफ योर स्लेव स्टेटस गिव्स यू अवे।
अब वो कहते हैं कि तुम अब क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं, क्या तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हें एक अपनी सक्सेसफुल कैंपेन के बाद ग़ुलाम बनाकर नॉर्थ से यहाँ लाया था, अब तुम मुझे ना जानने का ड्रामा कर रहे हो। ये तुम्हारी जो वाइट स्किन है ना, ये वाजे तौर पर तुम्हारे ग़ुलाम होने की गवाही दे रही है। पाशा कुछ नहीं बोल पाया, हूर को और गुस्सा आया और उसने कहा, मजीद उसने क्या कहा, वट हैपन्ड इन द वर्ल्ड सो दैट द माइटी आर ब्रॉट लो एंड हम्बल्स आर रेस्ड अप हाई, हैव स्लेव्स बिकम मास्टर्स एंड मास्टर्स स्लेव। हूर कहते हैं कि दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि ताकतवरों को नीचा दिखाया जा रहा है और ग़ुलाम ऊंचे हो रहे हैं, क्या ग़ुलाम आका बन गए और आका ग़ुलाम बन गए। उसने पाशा को उस किसान का भी मेंशन किया जिसको उसने खाना चोरी करने पे मारा था। उसने अपनी रियाया की सब्जुगेशन की बात की, उसकी आंखें गुस्से से जलने लगी थीं। वो क्या कहता है, यू बीट हिम विद योर केन बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड यू फोर्स्ड हिज फेलो ह्यूमन बीइंग टू द बीटिंग फॉर यू, आर इजिप्शियंस रियली स्टार्विंग इन देयर ओन कंट्री, अ कर्स अपॉन यू स्लेव। उसे कहते हैं कि क्या तुमने उसको इसलिए मारा था कि वो भूखा था और उसके फेलोस को भी मजबूर किया कि वो उसे मारे, क्या मिस्री वाकई इतनी भूख वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लानत हो तुम पर। और जब फिर उस मम्मी ने बोलना ख़त्म किया तो वो पाशा की तरफ बढ़ने लगी और वो ऐसे धाड़ी जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता है। पाशा इसे बर्दाश्त नहीं कर सका और वो गिर गया, ऑन द स्पॉट मर गया। नौकर पागल हो गए इस सीन को देखकर, शेख मुंह के बल गिरा ज़मीन पर और नरेटर यानी कि प्रोफेसर डैरियन को लगा कि उसके सर पर बहुत ज़ोर की चोट लगी है और वो गिरा है और वो बेहोश हो चुका है, उसने अपने होश खो दिए। उसके बाद उसने बताया कि उसे यकीन नहीं आता उस दिन उसने जो देखा वो वाकई सच था। जैदुल्ला कहानी सुनाने के लिए बहुत अरसे जिंदा रहा। नेक्स्ट डेज में प्रेस ने पूरे वाक्य के बारे में स्टोरीज पब्लिश की जिसमें पागल नौकरों और इस वीरान हवेली का तذکرہ था जो कभी पाशा की मलकियत थी। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द समरी ऑफ द स्टोरी द मम्मी और द मम्मी अवेकन्स। ये दोनों टाइटल्स इस स्टोरी के लिए हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।